1 सेकंड रुको जरा, वीडियो बन रही है। नहीं रखें अपनी मास्क तो वही है। अब तो नहीं, अब तो चलेंगे है ना कंटिन्यू। रेखा कुमारी, भावना, सर हमारे स्कूल में जैसे पूरी तरह से जो भी प्रोटोकॉल्स दी गई हैं उनका पूरी तरह पालन किया जा रहा है। मास्क लगवाया जा रहा है, बच्चों को सैनिटाइजेशन प्रोसेस किया जा रहा है और स्क्रीनिंग भी प्रॉपरली की जा रही है। अगर किसी बच्चे को फीवर आता है, अगर स्क्रीनिंग में फाउंड होता है, तो हम उसको अलग बिठा के उसके पेरेंट्स को कॉल करेंगे और उसको भेज देंगे। बहुत ही अच्छा ऑनलाइन स्टडी थी, बट स्कूल और ऑनलाइन स्टडी में बहुत डिफरेंस है। स्टडी जो है एक्चुअल में स्कूल में ही हो सकती है। ऑनलाइन स्टडी 50% आप कह सकते हैं कि पॉसिबल है, बट 50% बहुत बच्चों का भविष्य बिल्कुल डार्क में था। बट ये स्कूल खुलने से अब चलो 3-4 महीने हम मेहनत करेंगे, तो बच्चों को हम कोशिश करेंगे कि जितना बच्चों का नुकसान हुआ है वो सारा का सारी उसकी भरपाई कर पाए। तो सर यही सहयोग चाहते हैं कि वो भी जैसे हम स्टडी करवाएं तो वो भी घर में पूरा हमें सहयोग करें, और किसी बच्चे को अगर बुखार खांसी जुकाम है तो वो खुद ही उसको घर से ना भेजें। आप सभी ने यही वाली पोएम गानी है बार-बार, तितली और नन्ही सुंदर एक कली, किसी हो बड़ी भली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जी आज तकरीबन 21 महीने के बाद फर्स्ट और सेकंड क्लास आई हुई है, और पहली और दूसरे के बच्चे जो आज हमारे पास आ रहे हैं वो तो शायद आज पहली ही बार स्कूल में आए हैं, क्योंकि पिछले साल सारा कोरोना के कारण उनका एडमिशन भी ऑनलाइन ही हुआ था, उनकी क्लासेस भी ऑनलाइन ही हुई थी। बच्चों में भी काफ़ी जोश है और हमारे टीचर साथियों में भी काफ़ी उनको आज पढ़ाने के लिए काफ़ी वो जोश है उनमें भी। और सभी टीचर्स को मैंने ये आदेश भी दे दिए हैं कि कोई भी क्लास जो है वो अनअटेंडेड ना रहे, SOP को पूरी तरह से फॉलो किया जाए। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।